में आया नया मोड़। राजभवन में राज्यपाल से मिला पीड़ित पक्ष। राज्यपाल ने पीड़ित पक्ष को दिया कार्रवाई का आश्वासन। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पीड़ित पक्ष ने बदला बयान। घटना में राज्यपाल के बेटे की जगह लिया रसोईया का नाम। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं kaushalmarty.com के सभी न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि ओडिशा राजभवन में कार्यरत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बैकुंठ प्रधान पर हुए हमले ने शनिवार को नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित प्रधान, उनकी पत्नी तथा सचिवालय कर्मचारी संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और अपनी बात राज्यपाल के सामने रखी। वहीं राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल रघुवर दास ने पीड़ित पक्ष की शिकायत सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि मारपीट के दोषी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले के प्रमुख दोषी ने प्रतिनिधि मंडल समेत सभी के सामने बिना शर्त माफी मांगी। राज्यपाल के आश्वासन से पीड़ित पक्ष ने संतुष्टि प्रकट करते हुए मामले को वापिस लेने की बात कही है। जानते घटना होता है आम जन सदस्य को बहुत दुर्भाग्यजनक आम समस्त दुखित थी। आम मानव मुख्यमंत्री को जनई कि मुख्यमंत्री व्यस्त थी सार कौन से डिटेल्स विषय जापारे आज सार डाक मानव मुख्यमंत्री पूरा घंटाटे शुणी जहाँ समस्या होती सार सब खबर ना आम चार दिन भाई जमा जाइए एफआईआर दे नाते तेणु आम चाहूल जेहेतु किसी गोटे जिन बड़ जिन तार तदंत हो किसी पदक्षेप न हो आज मुख्यमंत्री डिस्कसन कलापर मानव राज्यपाल डकईले मो भाई आसते भाव जन आसते जहाँ भी इनसीडेट होता जड़े सदस्य निजे भूल मागिंट जहाँ हो बहुत दुर्भाग्यजनक से जहाँ इनसीडेट होता जड़े सदस्य भूल मागिंट मानव राज्यपाल कहते जेहेतु राज्यर से गोटे सम्मान से निश्चित पदक्षेप ने से कहते दु तीन दिन समय दरकार जो रही गल्पित मैंने से निश्चिंत आसवे प्रति एक्शन निजी कि आज निश्चिंत मुख्यमंत्री निश्चिंत फूल प्रकाश कर दुखित मैं थी कारण सार जिलानी रथजात्रा था सार से बहुत व्यस्त थे तो मैं आडलेस कर मानव राज्यपाल बहुत समय कथा से अन्य अधिकारी मैंने थे कौन हो डिटेल्स तेना आशा करुच्चे आसंता सप्ताह सुधा जहाँ आम नयदापी कहते निश्चिंत न्याय देते मैडम मत अच्छा आम अनुरोध कर फर्दर कौन सी राज्यर कौन सी एम्प्लॉय को यह आसंता भविष्य के न हो सदस्य क्या कहे कौन कहे राज्यपाल पुओ किए राज्यपाल पुओ ना आज जन सदस्य थे राज्यपाल पुओी मान मरणा आक्रमण कर राज्यपाल एक निश्चिंत न्याय मिले आशा कर निश्चिंत सारा तरफ न्याय देते अपने पुलिस अधिकारी डीसी मध्य आसते कौन मैंने प्रकृति में आलोचना है कि कौ टाइप न्याय देवे आपको प्रतिश्रुति मिलेगा आम एफआईआर देखिए एफआईआर सब जहाँ भी थी वर्णित आप जानते तेनाली नो डाउट पुलिस तरह आक्शन नहीं मानव आमर संघ कथा राज्यपाल राज्यर प्रथम व्यक्ति तेनाली चाहूँ से निजे सटआउट करूँ सब जिन पुलिस पाखे जी इनक्वारी हाट हो कि राज्यपाल जेहतु निज तरफ समाधान दाखिल करते बहुत खुशी अच्छे तेना आशा करुच्चे आसंता सप्ताह सुधा छःज से देश थे जड़े आज भूल मागिले जहाँ भी तो आउ जो पांचज अच्छा आम आशा करुच्चु राज्य से न हो सी मुझे जहाँ राज्यपाल सफा दे मैडम को सही हिसाब से काटे किसी चाप पड़ने का आम उपर कौन चाप ना कहे आम उपर चाप ना आम सचिवालय सेवा संघ आम कम कर सरकारी चाकरी हिसाब से कम कर तेणु सरकारी चाकरी मध्य गोटे लिमिट भर था आम क्या घर पर्सनाल लिमिट आम कही देवी तेनाली आमको बहुत दुखित आम संघ ही बहुत दुखित कितु आम चेषा करूँ कि ना मानव राज्यपाल निजे समाधान करूँ कि आम कौटी पुलिस कहूँ एपट सपट आम कहना जेहतु कांडटा से होता तेणु खुशी कथा सर आज निजे डाक समाधान कर खुशी कुबरापड़ा थाना अभियोग करें एफआईआर एन एफआईआर रखी थे पुलिस भी टे समय दरकार जहाँ लिखी से रखी थे
ତା ପର ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆମକୁ ସିଏ ଅଫିସରୁ ମିଳିଥିଲା ଖବର କି ସାର୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା କିଛି ଯାହା ବି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ କହିଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ କାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଭେଟ କରିବେ। ସାତ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭରସା ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜନକ ଯାହା ଅଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। पीड़ित प्रधान की पत्नी सहिज कुमारी प्रधान ने आज जब राज्यपाल के बेटे द्वारा उनके पति पर हमला करने की बात पूछी गई तो उन्होंने राज्यपाल के बेटे के नाम लेने से इनकार करते हुए रसोईया का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। श्रीमती प्रधान ने कहा है कि उनके पति 3 साल से गवर्नर हाउस में ASO हैं, इसके साथ ही पूरी राजभवन के इंचार्ज हैं। 7 तारीख की घटना पर न्याय के लिए राज्यपाल के पास पहुंची थी। राज्यपाल ने कहा है कि जैसे किसी परिवार में कुछ होता है तो एक्शन लिया जाता है, हम एक्शन लेंगे। राज्यपाल सर ने एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। FIR के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है, हम न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। सहिज कुमारी प्रधान ने कहा है कि राज्यपाल हमें एक परिवार की ही तरह देखते हैं, हम उनका परिवार हैं। ठीक, अगर परिवार में कुछ होता है तो एक्शन होता है और राज्यपाल ने एक्शन लेने की बात कही है। गौरतलब है कि ASO बैकुंठ प्रधान ने आरोप लगाया था कि 7 जुलाई को पूरी राजभवन में राज्यपाल के बेटे ललित कुमार एवं 5 सहयोगियों ने उनके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में बैकुंठ की पत्नी ने पूरी पुलिस थाना एवं मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत करने की बात कही थी। इस घटना को लेकर आज प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। छात्र कांग्रेस राजभवन घेराव करने का प्रयास किया तो वहीं बीजू जनता दल ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि शाम होते होते घटना ने नया मोड़ ले लिया और पीड़ित पक्ष राज्यपाल से मुलाकात करते हुए घटना को लेकर हो रही राजनीति पर विराम लगाने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। www.kaushalmati.com